सेम ऐसे बोल दो मैच मैच हार गया तुम पता है कौन जीता हम जीते मेरा सपोर्ट में रहता है और मेरा सपोर्ट जो टीम को रहता है ना टीम जीतती है दो कलम आ गए थे भाई घर पे घर में इसलिए आ गया था क्योंकि मुझे चाहिए थे ठीक है और बाकी वैसे घर पे इसलिए आना है क्योंकि वीकेंड था ठीक है वीकेंड में मेरा ऑफ होता है वीकेंड तो हॉस्टल में मैं क्या ही करूँगा ठीक है तो इसलिए मैं घर पे आ जाता हूँ। बाकी मैंने एक नई हुडी ली है ठीक है जो भी काफ़ी अच्छी लग रही है और भी शॉपिंग करने का प्लान है क्योंकि विंटर्स आ गए हैं सुबह ही शॉपिंग तो करनी 100% बनती है। बाकी शॉपिंग के लिए अभी देख लूँगा कहाँ जाऊँगा आज तो कहीं नहीं जाने वाला लेकिन शायद से तो इस वाले ब्लॉग के एंड तक आपको पता लग जाएगा ठीक है कि मैं शॉपिंग करने कहाँ जाने वाला हूँ और कहाँ नहीं जहाँ जाऊँगा वहाँ तो आपको बताएं फिर आप देख लो ब्लॉग में। बाकी भाई ब्लॉग डेली नहीं आ रहे हैं क्योंकि हॉस्टल में थोड़ा अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा वैसे मुझे एक महीना हो चुका है बट स्टिल आई एम नॉट फुल्ली एडजस्टेड ठीक है कि मैं निकल विकल पाऊँ सो 100% वाला ठीक है। बाकी चलो ठीक है अभी फिलहाल तो घर पे आ ही गए हैं और कुछ हो दिखाने के लिए दिखा दूंगा ठीक है। बाकी तो फिलहाल अभी कुछ दिखाने के लिए खास है नहीं और नहाता मैं हुई नहीं जिसको पता ही है क्योंकि मेरा ऑपरेशन हो रखा है और हम वीक में सिर्फ 2-3 बार नहाते हैं। अब जैसे कल ड्रेसिंग हुई तो मैं कल नहाया था आज नहाना है नहीं अब कल ड्रेसिंग हुई तो मैं कल नहाऊंगा सुबह का टाइम ठीक है। बाकी सोच से शॉपिंग करने कहाँ जाना है। अभी भाई जैसे मैं बैठा ही था और मेरे को ध्यान में आया कि कल मैं जब आ रहा था वापस तो मैं ये लेके आया था गजब ठीक है भाई मैंने तो काफ़ी खा लिया है इसके अंदर से। और बाकी जैसे मैं घर पे आया ना तो मुझे ये पता लगा कि हमारे पीछे जो बिल्ली रहती है ना बिल्ली के एक छोटा सा बच्चा हो गया है मतलब बच्चा बड़ा हो गया काफ़ी क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद देख रहा हूँ ठीक है। बाकी अभी ये पता नहीं बिल्ली भी है क्या क्योंकि यहाँ पे दूध रखते हैं ना इस वाले कटोरी के अंदर तब तो वो आती हुई है ठीक है। अभी फिलहाल वो आ नहीं रही क्योंकि दूध नहीं होगा इसीलिए। बाकी चलो ठीक है अभी आएगी तो मैं दिखाऊंगा वैसे बट बिल्ली का छोटा सा बच्चा है और इससे पहले भी एक बिल्ली के बच्चा हुआ था। अब ये पता नहीं कि जिस बिल्ली के बच्चा हुआ है पहले वो बच्ची थी क्या उस टाइम पे मतलब वो ना दो तीन बच्चे थे तो वो घर के अंदर घुसवा रहे थे भाई मतलब घुस के फिर बाहर आते थे मतलब जाते थे बाहर आते थे ऐसे कर रहे हैं। भाई अभी फ़िलहाल तो खैर है ही नहीं बिल्ली यहाँ पर अगर होगी तो फिर मैं आपको दिखाई देता। बाकी अभी चलो ठीक है और अरे ये देखो हमें रॉकेट रखे हुए हैं ऊपर देखिए रॉकेट मतलब मैंने चल दिवाली में बच गए थे ठीक है क्योंकि मैंने फोड़ ही नहीं ज़्यादा पटाखे इसीलिए। बाकी चलो ठीक है कभी टाइम मिलेगा तो इन्हें भी उठाएंगे। और बाकी इस रूम के अंदर एक पेटी रखी हुई है पेटी का पता ही होगा ठीक है लास्ट वार्निंग इसके अंदर मैंने एक पेटी रखी हुई है जो कि हम फोड़ेंगे अपने बर्थडे पे या हाँ अपने बर्थडे पे फोड़ेंगे जहाँ तक है। ये देखो भाई दिख गई ये रखी है पेटी पूरी इसके अंदर 60 शॉट्स हैं ठीक है और ये रॉकेट रखे हुए हैं कुछ जिनको अभी कुछ मतलब भी नहीं है तो रॉकेट को हटा देता हूँ यहाँ से रॉकेट थोड़ा नीचे कर देते हैं अभी क्योंकि रॉकेट तो मैं क्या दिवाली पे ही निकलेंगे ठीक है। बाकी ये दिख रही है पेटी रखी हुई ये पटाखे वाली पेटी है भाई ठीक है यहाँ पर लाइट कम है इसलिए थोड़ा ब्लर ब्लर दिख रहा है। बाकी ये पेटी पटाखे वाली है जो कि हमने दिवाली पे नहीं फोड़ी क्योंकि दिवाली पे इस बार मैं एक ही पेटी लेके आया था ठीक है और बर्थडे फोड़ने में ज़्यादा मज़ा आता है पेटी का तो इसलिए मैंने रखी हुई है और इसको बर्थडे फोड़ेंगे। भाई अभी मैं घर के बाहर आया था ठीक है ये धोबी अंकल जी की दुकान है अंकल जी की प्रेस रखी हुई है यहीं पे और ये मेरी सबसे महंगी शर्ट है भाई ठीक है लाइफ की और यहीं पे रखी हुई है और अंकल अभी तक आए नहीं ठीक है अगर एक हो जाएगी तो अंकल जिम्मेदार हैं लेकिन ये अभी तो यहीं पे रखी हुई है और कोई कपड़ा नहीं रखा ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कभी कोई ये सोच ना ले कि भाई मतलब कभी कोई ये ना समझ ले कि एक कपड़ा रखा है तो गायब कर दूँ ठीक है। अभी देखते हैं जैसा भी होगा और धोबी अंकल को फ़ोन करता हूँ बोल देता हूँ भाई अंकल आ जाओ यार शर्ट गायब होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। सो भाई अभी अंकल से बात हो गई है और अंकल ने कहा है कि अपनी शर्ट को अलमारी के अंदर रख दूँ ठीक है मतलब अलमारी के अंदर यहाँ रख देता हूँ साइड में ठीक है ताकि डाउट वाउट ना हो फिर गंदी हो जाएगी यार यहाँ रख दी ठीक है। अब मतलब सही है यार अब अंदर रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी और लॉक मार दूंगा चाबी रख लूँगा चाबी थोड़ी अंकल की सिगरेट जगह मार दूंगा ठीक है और फिर बाद में अंकल ले लेंगे ताकि मेरी शर्ट अंदर रहे और चोरी ना हो ठीक है इसलिए मैं इसके अंदर रख रहा हूँ इसको। बाकी भाई अब क्या कर सकते हैं जैसा भी है लेकिन करना तो पड़ेगा भाई। भाई आज जो है ना व्लॉग बना रहा था लेकिन मैं भूल गया था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ ठीक है। सो भी साथ में विपिन अभी क्या हाल है भाई
विपिन कर रहा है भाई स्कोरिंग, और ये स्कोरर बन चुका है, इसने नई है नौकरी पाई है। और भाई तेरा नाम और रितिक क्या हाल है? बढ़िया भाई, तेरा नाम भूल गया था मैं, नाम भूल रहा था अभी। और सब बढ़िया? माधव कह रहा है, मुंह को है ना माधव, नहीं मैं कहा माधव बोलता हूँ, ये इसका भाई है। वंश भी आ गया है, क्या हाल है वंश भाई के? क्यों आया यहाँ पे तू? वॉलीबॉल के टूर्नामेंट गया ना भाई। अच्छा, और कल भाई ये भाई क्लस्टर में गया था, कितनी मारी बास्केट वहाँ पे? जैसे मान ले 18 पॉइंट था भाई टीम का, 15 मेरी थे। 15? रियान ने कितने मारे? 3। रियान ने पहले मैच जो पहला मैच था वो जब वो उसमें क्वार्टर पहुंचने वो क्वार्टर पहले चलो सही है, बढ़िया है भाई। मैं अब मैं भी कुछ सोच रहा हूँ करने की, तो मैं सोच रहा हूँ कि टीम स्पॉन्सर करूँ। और भाई तुम सब पहले मुझे स्पॉन्सर करो, मेरा पैसा आएगा फिर मैं स्पॉन्सर करूँगा, ठीक है? बाकी यहाँ चल रहा है वॉलीबॉल का। अबे बॉल आ गई, अबे भाई क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात है भाई, बताओ यार बॉल मार रहे मेरे पे, कोई दिक्कत नहीं। ये सामने हमारी टीम, मतलब मेरी टीम, मतलब कि हमारी टीम खेल रही है, वो बिना खड़े हैं, मतलब ठीक है वो अपोनेंट टीम है, ये वाली टीम हमारी है और जीतेंगे भी हम ही। एक हम हार गए लेकिन अभी तीसरा वाला हम जीत जाएंगे, इसको जीत ही गए हम तो यार, जीत ही गए। देखो ये एक हम हार गए, ये हम बहुत कम लीड से आ रहे थे लेकिन ये हम जीत गए। और लीड कितने की भाई? कितने की लीड है? 20 पॉइंट की? 15 पॉइंट की? 15 पॉइंट की लीड। अभी एक और सेट होगा, ये भी हम जीत गए। अश्विनी भैया क्या हाल है? बढ़िया जी, आप सुनाओ। आपकी मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हो यार, ग्लूकोज भी पी रहे हो, तो जीत तो बनती है ना? बिल्कुल बनेगी। आप हो कौन सी टीम, आप कौन सी टीम में पहले ये बताओ, आप कौन सी टीम में हो? तो फिर यार देखो, फिर तो आपको हारना पड़ेगा मजबूरन। देखो भैया यार, फिर तो मजबूरन हारना पड़ेगा। नहीं नहीं, फिर तो मजबूरन हारना पड़ेगा। हम अभी हमारी टीम चली गई है उस साइड, जो कि सेट चेंज हो गया है, ठीक है? और हम जीतेंगे भाई, हम जीतेंगे 100%। भाई सोनू भैया ने पहले चाय के लिए मना कर दिया था, आओ सोनू भैया आओ, अरे आ जाओ आ जाओ, अरे कैसे खबर, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, चलो नहीं मना रहा यार, अरे आप भैया हो यार अपने, लाओ लाओ लाओ, तीन लोग तो यही यू कौन पी पेगा एक बार। 5-3 चाय आ गई है भाई, ठीक है। देखा क्या बोल रहा थोड़ी देर पहले तू भी, पता क्या बोल रहा था उन्होंने पहले, नो कह रहा मेरी बेइज्जती हो गई, मैं ले रहा था रक्षित की चल रही थी भाई, भाई चलने वलने की बात नहीं है, सक्सेना अंकल अपने है ना। सो भैया बाद में तो बाद में होंगी, लेट्स चाय। और एक दिक्कत हो गई है भाई यहाँ पे, हमारी चाय में चीनी नहीं है भाई, चाय में चीनी थी क्या भाई? चाय में चीनी थी? बिल्कुल नहीं थी ना, चाय में चीनी नहीं है भाई, पता नहीं क्या मैनेजमेंट काम कर रहा है उसमें। भैया गलत बोल रहा हूँ मैं, कुछ गलत भी नहीं बोल रहा है कुछ, चाय में पता नहीं है, नहीं तुम्हें दूध था भाई, दूध है, दूध है नहीं इतना, थोड़ा दूध है भाई। स्कोर बता भाई, इधर पॉइंट ये वाला उधर है ना, स्कोर बोलो भाई स्कोर। 13-11 कौन सी टीम के भाई? इधर भाई लेफ्ट के 13 उधर के 11, मतलब हमारी टीम में 11 पॉइंट है, 2 पॉइंट पीछे हैं बस हम। इंद्र भैया सामने चढ़ जाओ यार, भाई हम तो हार रहे हैं यार, ओ भाई हम तो हार रहे हैं यार, जीत लो भैया आपकी फोटो ले ली मैंने। रविंद्र भैया क्या हाल है आपके? बढ़िया, आपकी टीम जीत रही हार रही है? अच्छा इनकी टीम कल खेलेगी? ओ भाई ये तकड़ा चल रहा है, मैं मोनू भैया कम समझ रहे हैं ये सर्विस भैया, बहुत बढ़िया है, लवली यार मजा आ रहा है। कमोन कमोन एम्पायर हमारा है, मोमा कमोन 23-22 एम्पायर हमारे। आएगा आएगा आएगा, दो पॉइंट रह रहे हैं, दो पॉइंट रहेंगे भाई हैं। रक्षित बैठा है, हम जीतने को बैठे हैं, क्यों हार रहे, क्यों कह रहे हो ऐसा यार? अबे लास्ट पॉइंट है ये, दूसरा सेट चल रहा है, मतलब सॉरी थर्ड चल रहा है, थर्ड वाला एक जीत गया हम, एक जीत गया वो, हाँ गेम पॉइंट है अभी। स्कोर स्कोर दिखाओ भाई, 23-24 ये भाई हमारी टीम है, 24 पॉइंट हो गया भाई, एक पॉइंट रह गया हमारा। ग्यारहवेंदर यार हाथ मिला भाई, इसी बात लवली यार मजा आ गया यार। मोनू भैया आप बीमार है जानबूझ के, आप कमो समझ रहे हैं,
ये गर्म पानी में ग्लूकोज है। चलो चलो पिज्जा पूरी बहुत। चलो क्या बात है, मैं जीत गए कमान। मोनू भैया यार आप बता, पिछली बार आपने ऐसे बोला था, पिछली बार हार गए थे पता, पिछली बार मोनू भैया ने सेम ऐसे बोला था, मैच मैच हार गए थे पता है, बट इस बार जीत के रहेंगे भाई हम। अरे मोनू भैया ऐसे कर दे, मैं यार इस बार एक पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट हो जाओ उस पे खड़े। अरे जीत गए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, जीत गए अंकल, जीत गए ना, जीत गए, देखा कौन जीता यार, इस बार हम जीते, देखा ऐसे जीतते हो, हां हल्के में ले रहे। अरे ओए जीत गए अब ये ब्रो, देखा भाई कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू भाई, ये मैंने जोड़े यार। अरे भैया तेरी तू इतनी आ रहा हार जाते यार। अरे भैया बहुत बढ़िया भैया यार, लवली मोनू भैया यार, आप यार क्या बात। अरे चैंपियन ने कह दी जब हम भी जीतेंगे तो हम भी जीतेंगे, बढ़िया एकदम, ज्यादा योगदान हमारे स्कोर का, क्या बात है भाई। इसको ही ना इसको पैसा लिए, ओ भाई मिली भगत नहीं है चीज बोलेंगे। तू खेले कैसे हैं, क्या कह रहे हो? हेलो एवरीबॉडी, नहीं अब बोल क्या रहे हो, दोबारा बोलो। जब तक तू बैठेगा नहीं खेला कैसे? तो मैं भैया हम तो मेन बात तो वही है टीम, मतलब जब देखो मैं जिस दिन आता हूँ ना उस दिन एक अलग ही बोल रहती है कि मतलब यार आज अच्छे से गेम खेलना है, वो मतलब मेरा सपोर्ट बना रहता है और मेरा सपोर्ट जो टीम को रहता है ना, टीम जीतती है। दैट्स द स्पिरिट ऑफ माय एनर्जी। आज का दिन काफी अच्छा गया, जैसे कि आप लोगों ने देखा आज बास्केटबॉल कह रहा हूँ, वॉलीबॉल का टूर्नामेंट भी था, ठीक है। सो हमारी टीम जीत गई है, जैसे कि आज थर्ड सेट में हमारी टीम जीती भाई, और मैंने मतलब मैं टीम में हूँ बट मैं खेलता नहीं हूँ, ठीक है, ऐसे नाम डाल रखा है, ठीक है, जीतेंगे तो प्राइज हमें भी मिलेगा, ठीक है, मैं विनर भैया की टीम में हूँ। बाकी चलो ठीक है भाई, सॉरी ब्लॉग के लिए इतना ही, दिन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी चिलिंग माहौल रहा और बस और कुछ नहीं। बाकी अभी जाना शॉपिंग करने के लिए, अब तो खैर टाइम रात के 11:30 हो रहा है, सो 6:30 रात के 10:30 हो रहे हैं अभी, अगर कल तो नहीं जाऊँगा, जहाँ तक मैं परसों जाऊँगा, अगर परसों हो गया तो ब्लॉग में देख ही लोगे आप, ठीक है। बाकी सॉरी ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, ठीक है, क्योंकि वीडियो सब देखते हैं, 55% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं बट दे डिड नॉट सब्सक्राइब, ठीक है, काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा लेकिन वीडियो देखते ही नहीं है, ठीक है। भाई चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों का तैयार बना रहेगा तो मैं सपोर्टिव, मतलब मेरे लिए सपोर्ट बहुत मायने करेगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हम देखते हैं भाई एलविश यादव भाई का व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय। आने वाले टाइम में बहुत सरप्राइज आने वाले हैं भाई, ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।